what i feel that we all know how communication is important for us today but uh, i feel that uh, because of some uh, technologies or some of the advancements in social media people have become very narrow even i i am also much into social media so i want to ask that is it communication through social media more effective or communication to people लाइक फेस टू फेस इज मोर इफेक्ट फेस टू फेस इज मोर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली देखिए विडम्बना है आज एक सोशल मीडिया की मैंने मैं कई घरों में जाता हूँ डिनर टेबल पे छः लोग बैठे हैं और यहाँ तक हमने देखा है कि वो उस पर लगे हुए हैं और आपस में बैठे हुए भी उसी पर कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टेबल पे बैठे हुए होता है आप करते हो ये ये एक कम्युनिकेशन uh, जो है हमारे बीच में लगभग ब्रेकडाउन हो चुका है जहाँ घरों में आज देखते हैं हम चार लोग हैं परिवार में जल्दी से कम्युनिकेशन नहीं है उसकी वजह से बहुत सी गलत फहमीज उठती हैं बहुत सी uh, गलत बातें हो जाती हैं ये हर घर की कहानी है हाँ दीपक सिंह वाराणसी से हैं हमारे बीच में जी बताइए दीपक जी आ, uh, सर मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ मुझे अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए तो so देट मैं अपने बिजनेस पार्टनर और नए बिजनेस पार्टनर और अपने फैमिली को भी कन्विंस कर सकूँ इसका इसका कैसे मतलब इसको आ, आ हम प्रोग्रेस में कर सकते हैं ला सकते हैं अपने आप में विश्वास जगाइए और वो विश्वास के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो जरूर सुनेंगे आपकी बात लेकिन अपनी बात को ठीक से कहने का तरीका समझिए और फिर उसको बताइए अभी तक हमने जितनी बात करी वो प्रोफेशनल आ, मतलब कम्युनिकेशन की बात करी अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो सर कम्युनिकेशन गैप आज की डेट में इतना ज्यादा हो गया कि दैट हैज रिजल्टेड इन जेनरेशन गैप एज वेल टेक्नोलॉजी आल्सो इज अ फैक्टर जिससे जेनरेशन गैप हो गया आज बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं सो आई थिंक देर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स देखिए एक कहावत है ये बड़ी अच्छी आप सुनेंगे बाई द टाइम दन रियलाइज इज दैट हिज फादर वॉज राइट ही हैज ए ग्रोन अप सन हुट हिज फादर इज रॉन्ग ये गैप जनरेशन गैप सदियों से चला आया है आगे भी चलता रहेगा लेकिन इसलिए मैंने उस यंग आदमी को मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इस कम्युनिकेशन का सलूशन नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन का सलूशन टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि आपको वन टू वन बात करनी पड़ेगी आपको कुछ समझना पड़ेगा एज ए जनरेशन गैप डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी मेरे से तीस साल बड़ी हैं वो आज के युग की बिहेवियर पैटर्न को नहीं समझ रही हैं उन्होंने एम का कल्चर नहीं अडॉप्ट किया उन्होंने गूगल पे सर्च नहीं किया उनको ये नहीं पता है ये बातें ये आपको भी मानना पड़ेगा समझना पड़ेगा तब आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको भी ये मानना पड़ेगा पेरेंट को एज ए पेरेंट मुझे भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा जानते हैं मेरा जो अहम है अहंकार है उसको मुझे भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा शायद मेरे से ज़्यादा जानता हो मुझे उसकी सुननी चाहिए तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो कोई क्लैशेस नहीं होंगे मेरा ऐसा मानना देखिए एक, एक एक छोटा सा गेम कोई किसी के पास कागज़ पेंसिल है तो करके देखिए ज़रा ए टू जेड लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच लाइक दैट जेड तक लिखिए फटाफट फड़। और उसके नीचे उनके नंबर लिखिए ए का एक नंबर तो जेड का नंबर आएगा शायद छब्बीस वो लिख लिया उसके बाद नीचे उसके लिखिए हार्ड वर्क।, वर्क के नीचे अगर आप उनके नंबर लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे हंड्रेड आएगा करके देखिए हाँ? किया हुआ है हंड्रेड आता है तो तो किया नहीं है झूठ बोल रहे हैं आप नहीं नहीं आएगा नाइनटी एट नाइनटी एट आएगा और उसके बाद अगर लिखेंगे एटीट्यूड तो उस पर हंड्रेड परसेंट काम होगा एटीट्यूड का नीचे आएगा हंड्रेड अगर हम सब लोग अपना एटीट्यूड बदल लें कि हमको कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेशन की वजह से मुझे कोई गलत फहमी नहीं पैदा करनी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े बॉयफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा ना हो बाप बेटे का ना हो माँ बेटे का ना हो तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और इसके साथ ही मैं आप सब से कहूँगा कि आज का शो कैसा लगा मुझे लिख भेजिए और जैसा आपने यहाँ देखा मेरे विचार से हमको अपने परिवार के साथ अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए चाहे आप डीएससी शो देख रहे हों चाहे और टेलीविज़न शो देख रहे हों आपस में बात ज़रूर कीजिए एक दूसरे की बात समझिए एक दूसरे को समझाइए और समझने का प्रयास कीजिए यही इस आज शो का एक निचोड़ है एक दूसरे को समझना और समझाना संवाद करना बात करना उस बात से बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाता है जहाँ आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उलझ सी जाएंगी कम्प्लिकेट होती जाएंगी यही लाइफ का निचोड़ आज के एपिसोड का निचोड़ है धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक थैंक यू